नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सख्ती बढ़ा दी गई है। आंकड़ों की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी में शाम करीब 4 बजे AQI 407 रहा और वही इसके लिए रविवार को ग्रेटर स्पेन एक्शन प्लान का जो स्टेज था IIII लागू कर दिया गया और निर्देश भी जारी कर दिए गए। इसी के साथ क्षेत्र में गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ग्रैप के कार्यान्वयन के लिए उप समिति ने रविवार को क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की समीक्षा के लिए एक बैठक भी आयोजित की, जिसमें यह देखा गया कि पिछले 24 घंटे में हवा की गुणवत्ता में और गिरावट दर्ज की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली NCR में ग्रैप के स्टेज आई और IIII के अलावा स्टेज IIII को लागू कर दिया जाना चाहिए। वहीं दिल्ली में प्रदूषण का लेवल 4 नवंबर के बाद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। वहीं AQI 447 था। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के डेटा के माने तो बीती रात करीब 10 बजे आनंद विहार स्टेशन पर AQI 410 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 370 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब कैटेगरी में आता है। आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI अच्छा होता है, 91 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के मध्य और 201 से 300 के मध्य खराब होता है, 301 से 400 के मध्य बहुत खराब होता है, 401 से 500 के बीच AQI को गंभीर माना जाता है। नवंबर महीने में दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से लोगों के सांस लेने में काफी दिक्कतें आई थी और वही केंद्र की समिति CAQM ने 29 अक्टूबर को ग्रेप 3 लागू कर दी थी और वही दिल्ली गुरुग्राम ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद और फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार हो गया था, जिसके मद्देनजर दिल्ली NCR में स्कूलों को बंद करने का भी फैसला लिया गया था। हालांकि जैसे जैसे स्थिति ग्रेप में ढील दी गई, वैसे ही अब स्थिति के साथ एक बार फिर से सख्ती बढ़ती गई। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारा संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शिवम, जिस तरीके से AQI लगातार बढ़ता जा रहा है, वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है वो लगातार खराब होता जा रहा है, तो दिल्ली की अभी की स्थिति क्या है? जी मनीषा जी, मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि इस समय वायु प्रदूषण से लेकर लोगों की बहुत बुरी होती जा रही है, क्योंकि हम AQI जब कल शाम 407 पहुंच गया, इसको लेकर काफी दिक्कतों का सामना पड़ा। तुरंत हाई लेवल की सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई, जिसको लेकर 24 घंटे में ये गिरावट दर्ज की गई। अब देखने वाली बात है, दिल्ली NCR में भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड होना चाहिए, लेकिन इस समय थर्ड स्थिति में चलू गई, क्योंकि वायु प्रदूषण की गुणवत्ता देखा जाए तो बहुत बुरी स्थिति में चल रही है, क्योंकि लोगों को सांस लेने में दिक्कत होना पड़ रहा है, कई सारे वो दिक्कतों का सामना कर रहा। वहीं ग्रेव स्टेज 3 की बात कर ले तो कई चीजों पर प्रतिबंध और भी लगाया गया है, क्योंकि जैसे दिल्ली NCR में तोड़ फोड़ के निर्माण का काम चलता है, उस पर रोक लगा दी गई है। रेलवे स्टेशन की बात कर ले, सुरक्षा की बात कर ले, वहां पे भी काफी स्थिति में देखने को मिल रहा है, उस पर रोक लगा दी। भट्टा ईंट वो जो पकाया जाता है, मतलब ईंट भट्टे पर जितने भी प्रदूषण वाले कंपनियां फैक्ट्री हैं, सब पे रोक लगा दी गई सरकार के द्वारा। जी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ग्रेप स्टेज 3 की बात की जाए, तो इससे पहले 29 अक्टूबर को भी एक बार और ग्रेप 3 जो है वो लागू कर दी गई थी, आप फिर से कर दी, तो इसके लिए जो सरकार है कि राज्य सरकार का क्या अहम रोल है इसमें? पहले भी उन्होंने की थी और उसके बाद अब फिर से की, तो ऐसे जो वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है इसके लिए सरकार का क्या एक्शन है? जी बिल्कुल, आपको सही बताना चाहते हैं, इससे पहले भी कई बार खराब स्थिति हो चुकी देखने को मिला दिल्ली NCR में, लेकिन कल की बात करें, कल बहुत भयानक स्थिति हो गई कि उसके बाद भी सरकार क्या करती कि तुरंत जैसे खत्म होता उसके बाद ढिलाई दे देती, लेकिन उसके बाद अचानक सब वायु प्रदूषण बढ़ता है तो उसको लेकर फिर सरकार सख्त बैठक बुलाती है, उसके बाद फिर वही सेम नियम लागू कर दिया जाता है कि जो औद्योगिक या फैक्ट्रियां चल रही, जो धुआं वाले क्षेत्र चल रहे, उनको बंद किया जाए तत्काल प्रभाव से। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इस पर कड़े फैसले लेने चाहिए, क्योंकि यह देखते हुए कि कभी कभी कहीं ना कहीं दिल्ली की हालात कभी बुरी स्थिति में हो जाती है, इसको लेकर देश की राजधानी
क्योंकि हम बात कर ले, अभी कुछ दिन पहले ही पराली की बात हो रही थी या इसके और वायु प्रदूषण की बात हो रही थी कि हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की वजह, लेकिन अब पराली की स्थिति जहां तक थम चुकी है, लेकिन फिर भी वायु प्रदूषण दिल्ली के अंदर कंट्रोल नहीं पा रहा। ये बहुत बड़ी बुरी स्थिति है क्योंकि यहाँ की जनता और यहाँ दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग काफी भयावह महसूस कर रहे हैं। मनीषा जी जी, शिवम पांडे, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी साझा के लिए उसके लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट के साथ ही रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। लगातार इस उपचुनाव में 24,43,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 13,14,000 पुरुष होंगे, 11,29,000 महिलाएं, 132 तृतीय लिंग के मतदाता होंगे और वही मतदाता सुबह 7 बजे से शुरू जो मतदान शुरू हुआ है और वो शाम 6 बजे तक किया जाएगा। आपको बता दें चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। पारा 10 से 12 डिग्री के बीच होने की वजह से मतदान केंद्र पर सन्नाटा पड़ा हुआ देखा गया और वही मैनपुरी सीट पर 17,46,895 कुल मतदाता आज मतदान करेंगे और उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट पर 38,89,094 मतदाता पहुंचेंगे, जबकि 10 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। और वहीं सपा और बीजेपी के बीच की कांटे की टक्कर देखी गई और कांग्रेस और बसपा ने इस चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं और ना ही किसी और समर्थन की घोषणा की है। तो वहीं खतौली से 3,16,000 मतदाता वोट करेंगे और रामपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ है और 6 बजे तक चलेगा मतदान केंद्रों पर, इसके लिए कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए। बीएसएफ, आरएसएफ और पीएससी के जवान जो है वो तैनात कर दिए गए। जिले में पुलिस मतदान केंद्र पर अंदर नहीं जाने के लिए वहां पर लगाई गई है और वहां पर जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया और जोनल मजिस्ट्रेट और 34 सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। हालांकि अभी भी मतदान केंद्र पर मतदाता नजर नहीं आ रहे हैं, वही मतदान कर्मी भी खाली हाथ बैठे हैं। कुछ 166 मतदान केंद्र हैं और इसमें 454 बूथ बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि विधानसभा सीट के लिए आज तीनों जगह मतदान हो रहे हैं। मतदान जो है मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 पहचान पत्र भी मान्यता उनको दी गई है। खतौली विधानसभा सीट पर बीजेपी और सपा की भारी टक्कर देखने को मिली है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे जितेंद्र चौहान संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, जिस तरीके से मैनपुरी खतौली में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर वहां की अभी की स्थिति क्या है? देखिए, यूपी के 3 जिलों में आज उपचुनाव हो रहे हैं और कहा जा सकता है कि मैनपुरी में लोकसभा, खतौली और रामपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और साफ तौर पर कहा जा सकता है सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक वोटिंग साफ तौर पे जो मतदाताओं को पहचान पत्र की स्थिति की बात की जाए तो मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 पहचान पत्र ऐसे हैं जिनको वोट डालने की छूट दी गई है। कहा जा सकता है कि उसमें आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक और डाकघरों के फोटो युक्त पासबुक और साथ ही श्रम मंत्रालय के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और NPR के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड जो पासपोर्ट दिए गए, इन सब से कहीं ना कहीं छूट दी जाएगी। और ये कहा जा सकता है कि MP MLA और MLC के लिए ये सरकारी पहचान पत्र कहा जा सकता है कि और UID और सामाजिक न्याय आधारित मंत्रालय कार्ड भी मान्य होंगे। तो ये 12 ऐसे हैं जो कि पहचान पत्र के अलावा उससे वोट डाले जा सकते हैं। और उपचुनाव की बात की जाए तो उपचुनाव में लगभग 24.43 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग आज करेंगे और शाम 6 बजे तक ये मतदाता अपना कहीं ना कहीं मत का प्रयोग कर सकते हैं। और मैनपुरी उपचुनाव में लगभग 6 प्रत्याशी मैदान में है, तो वहीं खतौली विधानसभा में 14, रामपुर में 10 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जो आज अपनी किस्मत उनकी जो आज पेटियो में बंद होगी, मतदाता वोट करके उनकी किस्मत को कहीं ना कहीं आप उसमें पेटियो में बंद करने का काम करेंगे। और निर्वाचन के क्षेत्र में बात की जाए तो 3,062 ऐसे मतदेय स्थल है और लगभग 1945 मतदेय केंद्र बनाए गए हैं और चुनाव आयोग ने 3 सामान्य प्रेक्षक और 3 पुलिस प्रेक्षक तैनात किए हैं और 288 सेक्टर मजिस्ट्रेट है और 48 जोनल मजिस्ट्रेट और लगभग
6 से 37 माइक्रो ऑब्जर्वर रखे गए जो कि पूरी प्रक्रिया पर जो चुनाव चल रहा है उपचुनाव चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं नजर रखने का काम करेंगे। तो मतदेय स्थलों की बात की जाए तो वेबकास्टिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी और भारत निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं प्रेक्षण करने का काम करेंगे और ईवीएम मशीन और जो स्ट्रांग रूम होते हैं उसमें पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया। खटौली की बात की जाए और मैनपुरी की बात की जाए तो इन दो विधानसभाओं में और लोकसभा में बात की जाए तो कांटे की टक्कर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की बिल्कुल सीधी टक्कर, क्योंकि कल जिस तरह से लखनऊ से लेकर मैनपुरी में तमाम चीजें देखने को मिली वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वहां पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। और कल समाजवादी पार्टी की ओर से बड़ा प्रदर्शन, विधायक रामपुर में बैठे थे, लखनऊ में बैठे थे और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से उनका आरोप था कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो पैसे बांट रहे हैं, शराब बांटने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दान भी करने के लिए, तो इस तरह का आरोप रात से रात चला। और लखनऊ में निर्वाचन आयोग के कहा जाता है कि कार्यालय पर यहाँ पर विधायक बैठे, समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे थे देर रात और रामपुर में भी इस तरह की स्थिति मिली। और ये कहा जा सकता है कि तमाम तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से पुलिस और रामपुर में चीजें सामने आई जहाँ पर पुलिस ने कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए लाठियां भी भाजने का काम किया गया। तो आज जो प्रत्याशी है ये कहा जाता है कि मुलायम यादव की बहू और डिंपल यादव और रघुराज साग के आमने सामने मैनपुरी में है और ये कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर सामने होगी। जी जी, तुंदर चौहान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5 दिसंबर यानी आज कुम्हारी में आयोजित छत्तीसगढ़ी सोनकर समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री सुबह करीब 10 बजे पुलिस ग्राउंड रायपुर से हेलीकॉप्टर के द्वारा प्रस्थान कर सुबह करीब 10:20 पर दुर्ग जिले के विकासखंड धमधा में कुम्हारी मिनी स्टेडियम में पहुंचेंगे और वहीं करीब 10:25 पर सर्व समाज मांगलिक भवन पर कुम्हारी में छत्तीसगढ़ सोनकर समाज के द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन और प्रतिभा सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अखिलेश, आज भूपेश बघेल का कुम्हारी दौरा है और वहां पर क्या क्या कार्यक्रम रहेगा, किस किस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं, एक बार पूरी अपडेट। देखिए मनीषा, आज के अगर मुख्यमंत्री के दौरे की बात की जाए तो आज कुम्हारी में आज कार्यक्रम युवक युवती परिचय सम्मेलन सोनकर समाज द्वारा आयोजित किया गया है। निश्चित तौर पे समाज के भूमिका और समाज के अंदर एक जीवटता जो देखने को मिलती है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अंदर देखने को मिलती है और लगातार समाज से जुड़े रहते हैं। आज उसी परिचय सम्मेलन में जा रहे हैं जिसकी लंबे समय से मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया था कि एक बार निश्चित तौर पे युवक युवती सम्मेलन में पहुंचे। आज निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच रहे हैं और कई ऐसे सोनकर समाज के लिए जो सौगात है वो भी देने के लिए वहां तत्परता दिखाएंगे। कारण यही स्पष्ट है क्योंकि सामने जो चुनावी नजदीक आती जा रही है उससे समाज के लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। कल की ही अगर बात किया जाए तो 27% और 32% का आरक्षण को लेकर के कल आदिवासी समाज और ओबीसी दोनों समाज के सर्व सम्मति के साथ में मुलाकात भी हुई। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री कुम्हारी दौरे पे सोनकर समाज में जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज गरियाबंद जिले में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। निश्चित तौर पे उस कार्यक्रम में अनेकों समाज के जो लोग आएंगे उनसे भी मुलाकात करेंगे और वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो शिकायतें हैं लोगों की, उसको दूर करते हुए निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई ऐसे प्रशासनिक कसावट है जिसके ऊपर आज बैठक समीक्षा बैठक ली जाएगी। जी, एक बड़ा विकल्प निकल करके भी सामने आ रहा है, तुम्हारी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो लंबे समय से मांग रहे हैं उसको भी पूर्ण करने की जो तैयारी है। इसके अलावा जो बैठक व्यवस्था होनी चाहिए सोनकर समाज को लेकर के उसकी भी सोनकर समाज ने अपील की हुई है, निश्चित तौर पर उसके भी ऊपर आज मुहर लगा दी जाएगी। ऐसे कई जो समाज की रूपरेखा तैयार करने वाली जो कार्यशैली है उसको लेकर के सोनकर समाज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पटल पे रखेंगे और निश्चित तौर पे आज उनकी जो मांगे हैं वो पूर्ण किए जाने की संभावना है वो बिल्कुल बनी हुई है मनीषा।
जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सोनकर समाज सम्मेलन में जो है मुख्यमंत्री शामिल होंगे, तो क्या मुख्यमंत्री की अगली रणनीति जो है आगामी चुनाव में सोनकर समाज के वोट बटोरने की कोशिश में जुटे हुए हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सोनकर समाज एक बड़ा संख्या में भी है यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो सोनकर समाज को साधने का जो प्रयास है निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री कर तो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे विभागीय खंड में बटा हुआ है सोनकर समाज, क्योंकि दरिया सोनकर समाज, छत्तीसगढ़िया सोनकर समाज या फिर देसहा सोनकर समाज, झेरिया सोनकर समाज, ऐसे कई विखंड में बटा हुआ है, एक खंड में विभाजित नहीं किया गया है। एक खंड में अगर रहते तो एक बड़ी ताकत होती है संगठन में, लेकिन सोनकर समाज के विभाजन होना कहीं ना कहीं नुकसानप्रद है, और सोनकर समाज, सर्व सोनकर समाज को अगर साथ लिया जाता है तो निश्चित तौर पे एक बड़ी विकल्प है। और कुम्हारी खास तौर से उनके गृह जिले में की बात की जाए, क्योंकि पाटन विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री आते हैं और वही के सोनकर समाज जो है आज कार्यक्रम करा रहे हैं युवक युवती सम्मेलन, तो निश्चित तौर पे युवाओं को साधने के लिए और खास तौर से ये रणनीति बनाने की जो आज बात कही जा रही है वो निश्चित तौर पे सफलता हासिल की जा रही है, क्योंकि समाज के अन्य समाज के भी लोग जो है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए आते हैं, और जो अपनी मांग है खास तौर से प्रशासन से प्रताड़ित होकर के कोई व्यक्ति पहुंचता है निश्चित तौर पे उसको सलाह दी जाती है और उसका काम तत्कालिक कर दिया जाता है। ऐसे में एक बात और निकल करके सामने आती है कि आखिर सोनकर समाज के शीर्ष जो नेता भाजपा पे बैठे हुए हैं उनकी रणनीति और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रणनीति किस तरीके से कामयाब हो पाती है, आखिर किस तरीके से रणनीति बनाई जाती है, ये देखने वाला विषय रहेगा। मनीषा जी, जी अखिलेश तिवारी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।